मंडी में पहली बार आयोजित किए जा रहे छोटी काशी महोत्सव में ब्यास नदी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही है। जिला प्रशासन ने पंचवक्त मंदिर के पास ब्यास नदी के तट पर ब्यास आरती का प्रबंध किया था, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद हुए और ब्यास नदी की विधिवत पूजा अर्चना करके उसकी आरती उतारी है। मंडी में पहली बार आयोजित किए जा रहे छोटी काशी महोत्सव में ब्यास नदी आकर्षण का केंद्र रही। जिला प्रशासन ने पंचव्रत मंदिर के पास ब्यास नदी के तट पर ब्यास आरती का प्रबंध किया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे और ब्यास नदी की विधिवत पूजा अर्चना कर उसकी आरती उतारी। ब्यास आरती करने के लिए जिला प्रशासन ने काशी से पंडितों को भी बुलाया था, जो गंगा आरती करते हैं। गंगा की तर्ज पर इन पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ ब्यास नदी की आरती उतारी। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए मंडी जिला के लोग विशेष रूप से यहां पहुंचे थे। लोगों ने ब्यास आरती में भाग लिया और उसके बाद नदी में दीप दान किया। हजारों की संख्या में मिट्टी से बने हुए दीप ब्यास नदी में प्रवाहित किए गए। ये पहला मौका है जब मंडी शहर में ब्यास नदी की इस तरह से आरती उतारेगी। हालांकि हर महीने एकादश रुद्र मंदिर के पास ब्यास आरती की जाती है, लेकिन इस बार ये बड़े स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। ब्यास आरती के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि छोटी काशी उत्सव के साथ ब्यास आरती को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है और भविष्य में इसे और बड़े और बेहतर ढंग से आयोजित किया जाएगा, ताकि ये शहर का मुख्य आकर्षण बन सके। यहाँ जो ब्यास आरती का जो एक कार्यक्रम अभी हमने देखा, पूरा शहर इसमें उमड़ करके आया था। शहर के अलावा गांव के लोग भी यहाँ पर आए थे और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये एक हमारा ऐसा कार्यक्रम हो जिसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम यहाँ पर करने की परिस्थिति में हो, उसके लिए कुछ चीज़ें हम सोचेंगे, विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें करेंगे भी। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ब्यास नदी के तट पर घाटों का निर्माण करवाने जा रही है, जिसके लिए उचित स्थान तलाशा जा रहा है। उन्होंने बताया कि नदी के तट पर निर्माण कार्य करवाना आसान नहीं है, जिसके चलते उचित स्थान की तलाशी की जा रही है। जैसे ही उचित स्थान मिलेगा, वहां पर सुंदर घाट का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद लोग उस स्थान में आकर ब्यास नदी की आरती उतार सकेंगे। उस सारी चीज को लेकर के हम तो चाह रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं इस तरह की, क्योंकि ब्यास की एक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ निर्माण कार्य करना भी कठिन है और उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थान का ऐसी जगह हमको ऐसी मिल जाए जहाँ पर हम निर्माण कर सके, स्थायी रूप से निर्माण कर सके और इस इवेंट को और भी ज़्यादा प्रभावी और अच्छा कर सकें।